रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। तो अब टाइम आ चुका है राखी का। एक्चुअली मैं आज मॉर्निंग में ही हम लोग राखी बांध रहे हैं, बस जस्ट पूजा ख़त्म करी तो उसके बाद ये हुआ राखी। और ये वो मिठाइयाँ हैं जो मैंने घर पे बनाई, ये है कलाकंद और वो है खोए की बर्फ़ी, दोनों ही घर पर बनाई गई हैं। और इसकी आगे की कहानी मैं आगे बताऊँगी, पहले आप लोग देख लीजिए यहाँ पर जो राखी सेलिब्रेशन हो रहा है। एक्चुअली मैं महिमा भी व्रत थी, नैतिक भी कुछ खाया नहीं था, बोल रहा था पहले मैं दीदी से राखी बंधवा लूँगा उसके बाद कुछ खाऊँगा, इसलिए फिर हम लोगों ने तुरंत ही राखी बांधना स्टार्ट कर दिया था। तो बस महिमा राखी बांध रही और नैतिक ने ना अपने अपने पिगी बैंक से, अपनी गुल्लक से पैसे जो स्टोर किए थे उससे निकाल के रखे थे, कल ही उसने चुपचाप से निकाल के रख लिए थे कि एक इतने बिट्टो को दूंगा और इतने दीदी को दूंगा। और नैतिक ने वही राखियाँ बंधवाई हैं अपने हाथों में जो हम लोगों ने हाथ से बनाई थी। चार राखियाँ तो मैंने अपने, दो मेरे भाई हैं तो हम अपनी और दीदी की तरफ से चार राखियाँ तो मैंने भैया लोगों के लिए भेज दी थी। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना, चार राखियाँ तो मैंने भैया लोगों के लिए भेज दी थी, बची थी चार क्योंकि आठ राखियाँ बनी थी तो उसमें से दो तो नैतिक ने बंधवा ली हैं। एक ये वाली जो मैंने सबसे पहले बनाई थी, नैतिक ने उसी दिन बोल दिया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि नैतिक बोल रहा है मैं ये वाली राखी बनवाऊँगा और पैसे लिए रखे बैठा है। और देखिए कैसे दे गई है, बच्चे हैं ना, बच्चों को अच्छा लगता है। सुबह से परेशान हो रहा था कि जल्दी दीदी नहाओ, दीदी जल्दी पूजा करो, ये जल्दी जल्दी करो। देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं कलाई में राखियाँ, और मिठाई खिला रही है। पूछा गया क्या खाओगे तो बोला मैं खोए वाली ये बर्फ़ी खाऊंगा। ये मैंने बनाई है, रेसिपी नहीं दे पाई थी, फिर किसी दिन आराम से फिर से बनाऊंगी, बहुत टेस्टी बनी है तो मैं फिर से क्या बोलते हैं रेसिपी दूंगी। कैसे सदा नहीं कर रहा, पैर छूने के लिए बोला गया, देखिए कैसे कर। मैं बोली मैं ऐसे नहीं मानूंगी, अच्छे से छुओ। फिर उसने अच्छे से पैर छुआ और मुँह देखिए अब देगा पैसे कैसे देगा। रबड़ में पता ना, रबड़ लगा कर रखे हुए था, मतलब सारे एक एक करके देगा, इकट्ठे नहीं दे रहा है। बच्चे हैं, क्यूट हैं, बहुत अच्छा लगता है। महिमा भी कैसे ले रही है। मैं अगर ये 10 रुपये तुम रहे तो रखे रहो, तो कह रहा नहीं पूरे लो, मैंने आपके लिए निकाल कर रखे थे। और महिमा आरती उतारना भूल गई पैसे लेने के चक्कर में, तो जिया जी बोले आरती तो उतारो, तो महिमा उतार रही है नैतिक की आरती। देखिए मुँह बना है कैसे, बता बड़ा खुश हो रहा है, बोला आज बड़ा स्पेशल फील होता है दीदी के साथ, वैसे दीदी हमसे लड़ाई करती है। और अब बारी है चाचा की, तो महिमा ही हम लोग दोनों लोगों के बांधती है, चाचा के, पापा के, बाबूजी के, सबके महिमा राखी बांधती है क्योंकि इन लोगों की बहन नहीं है, बाबूजी की भी कोई बहन नहीं है। तो महिमा ही जब से हो गई है तब से महिमा राखी बांधती है, तो वो अपने चाचा के राखी बांध रही है। और एक्चुअली मैं इनको एक राखी बाहर से भी आई थी तो इन्होंने वो वाली भी बंधवाई महिमा से, एक तो महिमा ने जो बनाई थी वो बांधी और एक जो आई थी बाहर से तो वो वाली, तो दोनों राखियाँ इन्होंने महिमा से बंधवा ली हैं। तो बस हम लोगों का तो राखी सेलिब्रेशन चल रहा है, भैया लोगों को आना नहीं है, मैंने राखियाँ भिजवा दी थी ड्यू टू कोरोना, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, कोरोना ने क्या क्या नहीं करवा दिया यार, बहुत बुरी चीज़ है ये कोरोना। तो बस इसीलिए फिर ये हुआ, भैया लोगों को मना कर दिया तो भैया लोग नहीं आए और ये दे रहे हैं महिमा को पैसे। और मिठाई खिलाना भूल गई थी तो ये बोले मिठाई तो खिलाओ। और हम तीनों लोगों का तो व्रत ही है जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हर मंडे रहते हैं, आज से सावन के मंडे ख़त्म, एक अच्छी सी फीलिंग रहती है ना व्रत वगैरह रहो तो बड़ा ये हो रहा था बस आज से ख़त्म। तो चाचा के राखी बन चुकी है, अब बारी आती है पापा की, तो महिमा बांधेंगे अब अपने पापा को राखी। और आज कोइंसिडेंट देखिए, हम सभी लोगों ने येल्लो पहना है, महिमा ने येल्लो पहना है, जिया जी की टी शर्ट भी येल्लो है, इनकी भी येल्लो थी, मेरा भी सूट येल्लो था, भाभी जो सामने वाली बिट्टो का भी येल्लो कपड़े थे, भाभी की भी येल्लो साड़ी थी और जो उनके यहाँ हाउस हेल्पर आती उनकी भी येल्लो साड़ी थी। तो बड़ा कोइंसिडेंट था कि येल्लो येल्लो ही हो गया था, सिर्फ दीदी का कपड़ा और नैति का कपड़ा ही नहीं मिल रहा था, बउआ का, बाकी सबका येल्लो येल्लो मिल रहा था। तो बस हमारे यहाँ का तो जो राखी सेलिब्रेशन है वो तो यहीं पर ख़त्म होता है, राखी वाखी बन चुकी है, महिमा ने अपने पापा को भी बांध दी, नैतिक को भी बांध दी, बाबूजी को बांधाई थी और इनको भी बांध दी, सबके राखी बन चुकी है, हमारा राखी सेलिब्रेशन खत्म हो चुका है। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी मंडे। आज सावन का आखिरी सोमवार है तो हम लोग बस छत पे आए थे, मैं एक्चुअली मैं कपड़े फैलाए थे, काफ़ी सारे मशीन लगाई थी तो कपड़े फैलाने आई, तो मैंने कहा यहीं से आप लोगों से बात कर लेती हूँ। राखी वाखी सब बंध गई है जैसा कि आप लोगों ने देखा, महिमा ने
ये महिमा ने अपने राखी बांधी है और ये मेरे और इन लोगों के, तो जो भी मैंने सूट किया इन लोगों के तो बांधी ही। बाबूजी का मैंने नहीं दिखाया है, बाबूजी की भी राखी बांधी है। और धूप तो नहीं है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आंखें नहीं खुल रही हैं धूप की वजह से, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। और मैंने कहा रोज़ नीचे से ही सूट करती हूँ, आज ऊपर से वीडियो क्यों ना बनाया जाए। और आप लोगों ने राखी वाखी बांधी, अभी टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं, बहुत जल्दी हो गया है, नाश्ता भी हो गया, हम लोगों का ब्रेथ है मेरा महिमा का और इनका, तो ऐसे खाना कुछ खास नहीं बन रहा। दीदी बना रही है नीचे नॉर्मल सी पूड़ी सब्जी चावल पुलाव वगैरह जो भी बनाएंगी, और बस यही सब चल रहा है। इस रक्षाबंधन से पहले मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, व्लॉग नहीं बनाया, वीडियो तो काफ़ी गए मेरा, राखी वाला गया, फेसियल का गया, मेकअप का गया। आप लोग पसंद कर रहे हैं, मेकअप वाला वीडियो थोड़ा सा कम पसंद किया जैसे लग रहा है आप लोगों ने, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक मैं लास्ट में दे दूँगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग ज़रूर देखिएगा। गर्मी लग रही थी, हेयर वॉश किए थे, बट मैंने अभी ऐसे जूड़ा बना लिया क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी। जा रही हूँ नीचे, तो मैंने कहा उससे पहले आप लोगों से बात कर लूँ। और बारिश हो रही, बारिश नहीं हो रही, वो पानी जैसा ऐसा ही लग रहा है, तो बारिश तो हो नहीं रही है। ये भी वहाँ पर फ़ोन में किसी से बात कर रहा है, ऊपर ये भी बैठे थे। तो राखी वाखी तो हम सब लोगों की बन गई है, हम सब लोगों की, इन्हीं लोगों की। और मैंने मिठाई बनाई है, आई एम सो सॉरी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। एक मैंने बनाई और एक जिया जी ने बनाई, जिया जी को और हमको, हम दोनों को कुकिंग का बहुत शौक़ है, तो मैंने ड्राई फ्रूट्स वाली बर्फ़ी बनाई और जिया जी ने बनाया कलाकंद। रेसिपी नहीं दी क्योंकि कल इतने हौच पौच में बनाया है ना कि एक तरफ खाना भी बन रहा था, इडली सांभर वगैरह कल बना था, एक तरफ वो भी बन रहा था, एक तरफ ये भी बन रहा था, बहुत हौच पौच में भी गया था। लेकिन दिखाया मैंने आप लोगों को कैसी बनी दोनों बर्फ़ी, बहुत अच्छी बनी दोनों बर्फ़ी, बहुत अच्छी बनी। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने बर्फ़ी जैसा कुछ ट्राई किया है, लौकी की बर्फ़ी वगैरह अलग बात होगी, जो जमाने वाली होती है ना प्रॉपर बर्फ़ी, वो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ ट्राई किया दोनों लोगों ने, और दोनों लोगों ने ही बहुत अच्छा बनाया और बहुत ही अच्छा लगा। और कुछ गलत ही नहीं हुआ। और गर्मी लग रही है, मैंने बस यही पहन लिया था सुबह से कुर्ता प्लाजो, बिकॉज ये वाला मैंने नेक्स्ट ईयर रक्षाबंधन में लिया था, बट मैंने पहना नहीं था, मैंने दूसरा पहन लिया था, तो ये एक बार का केवल पहना हुआ है, तो मैंने कहा मैं पहन लूँ। महिमा भी अपनी ड्रेस पहने खड़ी है, तो रुपट्टा मैंने इसी को स्टॉल ले ली थी क्योंकि रुपट्टा मैंने नहीं निकाला ब्लैक, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो मेरे मुझे फेस बार बार चेहरा पोछना पड़ता है, स्वेटिंग होती है, तो इस तरह के दुपट्टे जो स्टॉल के होते हैं ना कॉटन के सॉफ्ट वाले, ये मुझे सही लगते हैं, तो मैंने इसी को डाल लिया है। इसके साथ वाला तो थोड़ा सा शिफॉन जैसा है, तो उससे नहीं अच्छा लगता है। और घर पर रहना है भैया लोगों को, आना नहीं, लॉकडाउन है, मतलब लॉकडाउन या कोरोना चल रहा है, मना कर दिया है। अभी मंडे को आया था ना मामा, इससे जो मंडे निकल गया, वो भैया आया था एक हफ्ते पहले, तो थोड़ा सा उसको ज़रूरी अपने ऑफिस का काम था, हेड ऑफिस आया था वो अपने, तो उसको हम लोगों ने राखियाँ दे दी थी कि अब तुम मत आना, बार बार परेशान मत हो क्योंकि कोरोना चल रहा है, बाइक से आना जाना रहता, तो दोनों भाइयों को दे दिया है। वहाँ भतीजी तो है ही है नित्या, तो उसने बांध भी दिया, अभी मम्मी से बात हो रही थी, मम्मी बोली नित्या ने बांध दिए। फिर नित्या गई है अपने मामा के घर मम्मी के साथ अपने, तो बस यही सब चल रहा है। तो अब जा रही हूँ नीचे, आगे की जो भी अपडेट होगी वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। चंदन लगाए, पूजा की थी ना, तो भगवान जी को ओम लिखा था मैंने, तो वही चंदन लगा है। तो चलिए चलते हैं नीचे, और हाँ बाय बाय, नहीं बिट्टो भी नहीं है, भैया भाभी गए हैं गाँव, एक्चुअली में कोई आ जा नहीं सकता है, भैया क्या कार है, तो भैया गाड़ी से चले गए हैं गांव अपने, वहां पर जो देवरानी है भाभी की, उनके लड़के हैं दोनों, पिछली बार तो वो लोग आ गए थे, इस बार नहीं आ पा रहे थे, तो भाभी बोली मैं ही चली जाती हूं, तो बस भाभी 8:30 गई थी, बोल रही थी 11:30 तक आ जाऊंगी, तो फिर यहां पर महिमा बांधे, बिट्टू ने भी शायद छोटू की राखी नहीं बांधी होगी, यहीं पर आकर ही बांधेंगे, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अब तभी मिलूँगी जब भैया लोग आ जाएंगे, तब बिट्टू के राखी बांधनी होगी। बाय 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 कुछ देर के लिए। तो अभी टाइम हो रहा था 2:00 PM, भाभी लोग गांव से आ गई थी, और तुरंत भाभी ने बस कपड़े चेंज किए और तुरंत यहाँ आ गई थी बच्चों के राखी बंधवाने के लिए, क्योंकि अभी तक क्या हुआ, नायरा मतलब बिट्टो ने बउआ के राखी, बउआ छोटू के भी नहीं बांधी थी, बोली थी बस यहीं पर सब लोग एक साथ बांधेंगे, तो बस यहाँ पर देखिए अभी कितने शांति से नैतिक के बांध रही, क्योंकि नैतिक उसके खेलता जा रहा था उसके साथ, और जब छोटू की बारी आएगी दोनों भाई बहन बहुत रोएंगे। एक्चुअली मैं गाँव गए थे, वहाँ पर लाइट वगैरह नहीं थी, गर्मी थी, तो बच्चे बहुत परेशान हो गए थे, बहुत रो रहे थे, तो भाभी तुरंत यहाँ ले आई, बोली हम लोगों ने कहा अभी कुछ देर वेट कर लेती रुक जाती, बट बोली नहीं। और नैतिक ने ना बिट्टो से 2 राखियाँ बंधवाई हैं, महिमा से भी बंधवाई हैं, क्योंकि 2 हैं, 2 हाथों से बनवाई, मतलब जो हाथों की बनी थी 2 रेडीमेड वाली,
और भाभी ने रबड़ी बनाई थी, मेवा के लड्डू बनाए थे, बेसन लड्डू बनाए थे, तो वही देखें। नैतिक को तीनों चीज़ें नैतिक की फेवरेट ही हैं, तो लड्डू भी बिट्टो खिलाएगी नैतिक को। देखें नैतिक एक बार में ही खा जाएगा, पहले बिट्टो खाने जा रही थी, उसको लगा मैं खाऊं, फिर उसने नैतिक को खिलाया, नैतिक ने एक बार में ही खा लिया। और बस इन लोगों का भी रक्षा बंधन, अभी बिट्टो छोटू के भी राखी बांधेगी, और नैतिक ने भी दो राखियाँ बनवाई थी अभी, देखिए वो भी शायद मैंने कैप्चर किया है दूसरी वाली भी बांधते हुए, तो वो देखिए दोनों पैसे दे रहा, एक जिया जी ने देने के लिए दिए थे और एक जो उसने अपने मन से 100 रुपीज़ अपने उससे निकालते। बच्चे हैं यार बच्चे, मतलब काफ़ी कुछ, नैतिक हमारा बड़ा हो गया, काफ़ी कुछ सोचने लगा है। बोल रहा था पापा मेरी बैंक में पैसे कम हो रहे हैं, मुझे और पैसे दो, अभी मम्मा का बर्थडे आ रहा है, दीदी का बर्थडे आ रहा है, मैं सबको गिफ्ट दूंगा। इसको थोड़ा सा लगता है, अभी हम लोगों की एनिवर्सरी वगैरह में भी दिया था, अब ये आ गए छोटू महाराज, देख लीजिए कैसे शैतानी कर रहा, बिल्कुल भी इस राखी बनाने में परेशान कर रहा था। रुमाल रख दी भाभी ने तो बस उसको परेशान, मैंने बोला भी कि हाथ रख लो, लेकिन तब तक वो चिढ़ चुके थे। फ़ोन दिया गया, सब कुछ दिया गया, बट वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पेन मतलब सब कुछ दिया गया, ट्राई किया गया, किसी तरह से बस टीका हो पाया था राखी बांधने में, तो बाप रे बड़ी परेशान हो गया, बहुत परेशान कर दिया उसने, परेशान कर रहा, राखी भी नहीं ठीक से बंधवाई थी, जैसे तैसे करके राखी बंधी, रक्षाबंधन मना। भाभी बोली बताओ मैंने पहले से नहीं बनवाई थी, बट ये बच्चे इतने शैतान हैं, ये था कि यहाँ बनवाएंगे तो यहाँ फ़ोटो वगैरह खींच जाती हैं, वीडियोस वगैरह बन जाते हैं, और गांव में नहीं बन सकता, तो थोड़ा जो भी भाभी ने सोचा, तो भाभी ने यहीं पर राखी बंधवाई। देखिए कैसे कह रहा है, बगल में वो भी खड़ी थी ना जो बच्चों की केयर टेकर हैं, वो भी खड़ी थी प्रीति, तो उनकी तरफ जाने की भाग रहा था कि बस उनके पास ही, बहुत उनको पहचानता है, बहुत उनके पास जाने की कोशिश करता है। देखिए कैसे रो रहा है, बहुत नौटंकी करता है इसको, मतलब ये हम लोगों का आज का जो लंच था वो था, आज लस्सी नहीं बनाई थी, बस दही, ये बर्फ़ी जो मैंने बनाई थी वो वाली है, रबड़ी बनाना, तो बस आज ये हुआ। लस्सी तो हर बार पी गई है, इस बार दही खाते हैं, बर्फ़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली हम लोगों को पेड़ा हो बर्फ़ी हो, बिना चीनी का दही बहुत टेस्टी लगता है, तो ये हम लोग खा लेंगे और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। इसको लग रहा है फोटो खींच रही है, क्या इसको लग रहा है फोटो खींच रही है, हटो हटो तुम, तुम हटो, गिर जाओगी, गिर जाओगी, ब्ला 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 बिट्टो, ए नायरा ये ले लो, आपके भी तो लगी है, देखो ये लगी है, आपके भी तो लगी है, प्यार कर रही है, यहाँ पर बिट्टू ने अपने नेल से देखे काफ़ी तेज मेरे लगा था, अभी मैं चिल्लाई एकदम से बहुत तेज लग गया, तो देखिए निशान भी पड़ गया नेल्स का, बच्चा है नहीं समझ पाया। और ये है नैतिक का आज का डिनर, नैतिक खा रहे हैं आलू का पराठा और दूध। एक्चुअली में मैं वीडियो बनाना चाह रही थी बट जाकर भी नहीं बना पा रही थी, क्योंकि जो हमारी ट्यूबलाइट थी वो ख़राब हो गई थी, ये तो बैक कैमरे से फ्लश वगैरह चल रहा था तो अच्छे से आ रहा था वीडियो, बट मैं नहीं बना पाई, तो फिर मैंने कहा चलो आप लोगों से इसी तरह बाय बाय कर देती हूँ, फिर मिलूँगी किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, बाय, टेक केयर।